इसी तरह जो है सलाम अगर किसी को भेजा भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि बस सलाम मिले तो भी करना, सलाम को पोस्ट भी किया जा सकता है, किसी को भेजा भी जा सकता है। लेकिन पोस्ट करना वैसा नहीं जैसा हम पोस्ट करते हैं कि रोज़ सुबह उठे और व्हाट्सएप के ऊपर सबको टेक किया एक ग्रुप के अंदर पूरा सलाम अस्सलाम वालेकुम सुबह सुबह, फिर बेचारे 200 लोग सब वालेकुम अस्सलाम और 200 में से सुबह सुबह रोज़ वालेकुम अस्सलाम। ये तो क्या हो गया कि एक रिवाजन हो गया है, रोज़ कॉपी पेस्ट करना, रोज़ कॉपी करके रख रहा, कॉपी करा पेस्ट कर दिया, कॉपी करा रोज़ सुबह पेस्ट कर दिया। मुँह से कहना है, पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसको कोई अजर सवाब नहीं, और अल्लाह वाले में इसका सवाब मिलता भी कि नहीं हमें तो मालूम भी नहीं। तो असल सलाम करना है, असल सलाम करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सोचेंगे यार मुँह से करना है तो काम करो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो अस्सलाम वालेकुम, ताकि फिर लोग सारे वॉइस रिकॉर्डिंग आएगी खुद से। तो देखिए वहाँ वो उस चीज़ का वो नहीं है, वहाँ पर वो नहीं है। आप जो है सोशल है तो उसका आप अच्छा इस्तेमाल उसका कर सकते हैं, सलाम कभी कभार किया जा सकता है, लेकिन आप करेंगे तो फिर आपका ग्रुप मेंटेन नहीं होगा, तो वो तरीका भी नहीं है। सलाम असल जो है मुँह से हमको करना है, और उसके अंदर एक तरीका है कि ये है कि उसके अंदर जो उसके अंदर अमीर कौन है, ग्रुप का अमीर कौन होता है, ग्रुप एडमिन होता है। तो ग्रुप एडमिन चाहे तो कर सकता है, वो कर दे एक बार सलाम तो सब अपने अपने आप जवाब दे दो मुँह से, ये तरीका है ताकि आपका ग्रुप अच्छे से मेंटेन हो सके। नहीं तो फिर आप सब उसको लिख लिख के जवाब देंगे तो सुबह सुबह आदमी खोलेगा जो सबसे आखिर में कहेगा 250 तो इसके अंदर वो हो गया, अब इसको पढ़ना क्या, तो पढ़ेगा भी नहीं, तो वो उसका जो मकसद है वो ख़राब हो जाएगा। अगर दीनी ग्रुप है तो दुनिया भी है तो अलग चीज़ है, लेकिन दीनी ग्रुप है तो इसको किया जा सकता है कि ग्रुप एडमिन सलाम कर ले या उसके अंदर जो मोतबर शख्सियत है वो सलाम कर ले और सारे लोग अपने मुँह से उसको जवाब दे दे, ये उसमें किया जा सकता है इस तरह से।